नमस्कार, डीडी डिलाइट्स में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात करेंगे पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा की। धारावाहिक श्री कृष्णा में रविवार से सुदामा के अध्याय की शुरुआत होगी। श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं कि सुदामा अपने पिछले जन्मों के कर्म फल के चलते अभी इतना कष्ट भोग रहे हैं। उनके ये कष्ट तब तक कम नहीं होंगे जब तक पिछले जन्म का कर्म फल पूरा नहीं हो जाता। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। देखो रुक्मिणी, सुदामा कोई मामूली आदमी नहीं है। वो एक ब्रह्म ज्ञानी है। वो जानता है कि ये गरीबी उसके अपने पिछले कर्मों का फल है। इस मृत्युलोक अथवा कर्मलोक का विधान यही है कि प्राणी को अपने पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो आगे क्या होगा कृष्ण और सुदामा की कथा में, जानने के लिए देखिए धारावाहिक श्री कृष्णा रोजाना रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक संकट मोचन हनुमान में रविवार को आपको देखने को मिलेगा कि लंका का राजा दशानन कैलाश पर्वत पर तबाही मचाता है, लेकिन जब उसका हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दबने लगता है तब वो महादेव की प्रार्थना शुरू कर देता है। महादेव उसकी प्रार्थना से खुश होकर उसका नाम रावण रखते हैं। ये महादेव का कोप है लंकेश, यदि आप इस कष्ट से मुक्ति चाहते हैं तो उनकी प्रार्थना कीजिए। तुम्हारी प्रार्थना से हम प्रसन्न हुए लंकेश। आज हम तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप अपना प्रिय चंद्रहास खड़क प्रदान करते हैं। आज से तुम्हारा नाम रावण होगा। तो आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए धारावाहिक संकट मोचन हनुमान रोजाना शाम 7 बजे डीडी भारती पर। अगर आप धारावाहिक शक्तिमान का इस हफ्ते कोई भी एपिसोड नहीं देख पाए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस रविवार 1 बजे से 5 बजे के बीच आप इसे दोबारा देख सकते हैं बिंज वॉच में। मेरे लिए क्या हुक्म है? शक्तिमान का खात्मा। क्या हुआ इंस्पेक्टर काजी? अब्बाजान को शक्तिमान के पिता रंजीत सिंह ने जलाकर मार डाला। तो दूरदर्शन के इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।